Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. भ्रष्टाचार के आरोपों में गले तक डूबे मेरठ छावनी परिषद में सीबीआई की धमक से परिषद में हड़कंप के हालात हैं। बीते दिवस 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने सेनेटरी इंस्पेक्टर योगेश यादव को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के इस क्रम में अभिषेक गंगवार अभी पकड़ से दूर है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते लगातार उठ रहे सवालों व सीबीआई की कार्रवाई के बाद एकाएक ही जागी छावनी परिषद की टीम ने पवन चड्ढा शटर वालों के आबुलेन स्थित कॉम्प्लेक्स को एक बार फिर से सील कर दिया। सील करने की यह कार्रवाई एक माह में तीसरी बार की गई है। छावनी परिषद के अफसरों का संरक्षण कहो या फिर पवन चड्ढा का साहस कि एक माह में वह दो बार परिषद द्वारा लगाई गई सील तोड़ चुका है। आज सील करने के दौरान वहां खासा हंगामा हुआ। घर की महिलाओं ने खुलकर आरोप लगाया कि पहले पैसे लेकर इस कॉम्प्लेक्स को बनवा दिया गया और अब फिर से सील करने आ गए हैं। यहाँ स्टाफ वे व्यापारी परिजनों के बीच जमकर लात घूंसे भी चले। दरअसल बीते दिवस सीबीआई की टीम ने सेनेटरी इंस्पेक्टर योगेश यादव को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। योगेश यादव करीब 7 साल पूर्व भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा चुका है। गोविंद प्लाजा में एक दुकान के हिस्से में निर्माण करा रहे वरुण अग्रवाल की शिकायत पर सीबीआई ने यह गिरफ्तारी की थी। अवैध निर्माण की एवज में योगेश यादव व अभिषेक गंगवार ने 25,000 रुपए की मांग की थी। यह धनराशि ही बीते दिवस जैसे ही दी गई सीबीआई ने योगेश यादव को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अभिषेक भाग निकला था। सीबीआई की टीम द्वारा की गई कार्रवाई का यह असर हुआ कि आज छावनी परिषद की टीम ने पवन चड्ढा शटर वालों के 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। यह कॉम्प्लेक्स दिल्ली छोले भटूरे की दुकान के पास है। अवैध रूप से पूरी तरह बन चुके इस कॉम्प्लेक्स को पहले 10 अक्टूबर को सील किया गया था। इस सील को 23 अक्टूबर को पवन चड्ढा द्वारा तोड़ दिया गया था। इसके बाद फिर सील लगाई गई। छावनी परिषद का कहना है कि दिवाली की छुट्टियों में फिर से सील तोड़ दी गई। आज ऊपरी मंजिल पर रह रहे परिवार व पालतू कुत्तों को बाहर निकालकर इसे सील कर दिया गया। इस दौरान महिलाओं ने खुलकर आरोप लगाए कि परिषद स्टाफ ने पैसे लेकर कॉम्प्लेक्स बनवाया है और अब फिर से इसे सील करने आ गए हैं। यहाँ स्टाफ व परिजनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। महिलाओं को भी घूंसे चलाते हुए देखा गया। देखिए बना यार, यहाँ की वीडियो में आज सील लगाई हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।